आप सुन रहे हैं कहानी बे इंतहा सफ़र इश्क भाग 12। वर्तिका को शांत करते उसके सोने के बाद ही रंजीत कमरे से बाहर निकला। इस वक्त एक अलग ही द्वेग का भाग उसके हाव भाव में छाया हुआ था। सुबह उसे अपने निजी काम से शहर से बाहर जाना था, लेकिन जब उसका समस्त ध्यान तो दो दिन बाद की सेठ घनश्याम से होने वाली मुलाकात पर टिका था। सुबह होते ही सेल्विन अपने उसकी खिदमत में हाजिर था। तब रंजीत फ़ोन पर अपने मैनेजर को अगले टेंडर पर जरूरी निर्देश दे रहा था। अपनी बात खत्म करते अब वह सेल्विन की ओर देखता हुआ कहता है, सेल्विन मेरे लौटने ही मैं पहली मुलाकात सेठ घनश्याम दीवान से करूँगा, उसका इंतज़ाम करके रखना। हो जाएगा सर। फिर कुछ पल रुक कर वह दबे स्वर में आगे पूछता है, अगर इजाज़त हो तो एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछो सर्विन, वैसे तुम्हें कब से मेरी परमिशन की ज़रूरत पड़ने लगी? आप जानते हैं ये सरकारी टेंडर आपके लिए और आपके बिजनेस के लिए एक स्वर्णिम मौका है, फिर आप उसे वापस लेने को क्यों बोल रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि एक आप ही हैं उनके लिए बड़ा कड़ा मुकाबला, और आपके हटते वह टेंडर दीवान की झोली में आराम से गिर जाएगा। फिर सर क्यों? बहुत अच्छे से जानता हूँ ये बात मैं, पर मेरी एक ही कमज़ोर कड़ी है, आज उसकी इच्छा के लिए ऐसे एक क्या हज़ारों टेंडर कुर्बान कर सकता हूँ मैं। खैर सेल्विन, मैं बहुत जल्दी इस नए कंसाइनमेंट को निपटा कर वापस लौटना चाहता हूँ। जी सर, कोशिश रहेगी, मैं तो आपको परेशान भी नहीं होने देता, पर बहुत ज़रूरी था आपका चलना। ठीक है सेल्विन, तुमने कहा है तो इसलिए मैं चल रहा हूँ। सर आजकल पुलिस की गश्त समंदर पर बहुत हो गई है, इसलिए आप चलेंगे तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा, पार्टी का विश्वास भी हम पर बना रहे। सेल्विन की बात पर सहमति देता रंजीत उसके साथ तुरंत ही बाहर निकल जाता है। सारी रात भूमि ने आकाश से चितित की बात करने की बेचैनी में काटी। एक तरह से बहुत दिनों का गुबार था उसके मन में, जो तूफान सा उसके मन से निकलने को बेचैन हो उठा था। आकाश कमरे में आराम कुर्सी पर बैठा ब्लैक कॉफ़ी पीते पीते किसने बिजनेस मैगजीन में मग्न था। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, भूमि उसके समीप खड़ी होती बेहद सपाट स्वर में कहती है। आकाश बिना उसकी ओर देखते कप हवा में उठाता मौन ही उसे कहने के लिए कहता है, क्षितिज के बारे में है। हाँ सुन रहा हूँ मैं। क्षितिज के स्कूल की सोशल एक्टिविटी में वे चाहता है कि कम से कम एक बार उसके पेरेंट्स इसमें हिस्सा लें। तो प्रॉब्लम क्या है, जाओ। अभी भी वह अपने मैगजीन को देखता हुआ बेहद शुक स्वर में कहता है, शायद तुमने सुना नहीं ध्यान से, मैं पेरेंट्स की बात कर रही हूँ, उसकी टीचर चाहती है कि एक बार उसके पेरेंट्स साथ में आए। पहले ये तय करो कि चाहता कौन है, क्षितिज, टीचर या तुम। क्षितिज तो बच्चा है और टीचर उसकी इतनी औकात नहीं कि वह आकाश दीवान को बुलाए और उसके सामने हाजिर हो जाए। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हें तो किसी की ज़रूरत ही कहाँ है, तुम तो सुपर वुमेन हो ना। ठसक भरी हंसी से कहता हुआ आकाश मैगजीन का अगला पन्ना पलट लेता है, पर एक बार भी भूमि की ओर नहीं देखता। इससे भूमि खींच उठी और अपना धैर्य खोती उसके हाथ से मैगजीन छीन कर आवेश में उसके चिथड़े चिथड़े कर डालती है। उस पर आकाश एकदम से उसकी ओर मुड़ता गुस्से में चीखा, ये क्या हरकत है, पागल हो गई हो क्या? आकाश भूमि की बाँह पकड़े उसे ढकेलने लगता है। इस पर उसकी पकड़ से वे छूटती हुई उस पर चीखती है, डोंट टच मी। क्यों, मेरे छूते तुम्हें कांटे लगते हैं? वे दांत पीसता हुआ उसे घूरता है, तो तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारी हरकतों से नावाकिफ हूँ? मैं तुम्हें खूब समझती हूँ आकाश, बस मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझ लेना तुम। ओह तो क्या नज़र रखे हो तुम मुझ पर? मुझे तुम पर नज़र रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना तुमसे बहस करते उलझने की, पर बात क्षितिज की थी इसलिए तुम्हें तुम्हारा फर्ज याद दिला रही थी। कम से कम तुम्हारी इस व्यस्त दुनिया में से कुछ पल तुम्हारा बेटा तो अधिकारी है ही ना। रबिश, एक ज़रा सी बात का बतंगड़ बना रही हूँ, और मुझे अच्छे से पता है कि मुझे मेरे बेटे के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए मुझे तुम्हारी राय की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी हर ज़रूरत पूरी की है मैंने, और भी जो होगी वो भी खरीद ली जाएगी, सो प्लीज़ स्टॉप बॉदरिंग मी। यही तो मुश्किल है कि तुम्हें उसकी ज़रूरतों का एहसास ही कहाँ है, अपनी ज़रूरतों से ऊपर उठो त
तभी तो पता चलेगा। अब के मुड़ कर वे अपनी तीखी नज़र उस पर डालता हुआ कहता है, अपनी हद में रहो भूमि। हद तो तुम रोज़ाना जाने किन किन के संग पार करते हो। भूमि आकाश के तेज किस्म की सरगोशी है। अगर ऐसा ही था तो शादी क्यों की मुझसे, क्यों की मेरी ज़िंदगी बर्बाद, सिर्फ इसलिए कि अपने पिता की करोड़ों की संपत्ति की मैं अकेले वारिस थी। अचानक आकाश का मुंह धुआं हो उठा, जैसे जोर का झटका लगा हो। इससे तुम्हारा क्या मतलब है? क्यों, बात चुप गई क्या? पर क्या करूँ, सच कड़वा तो होता है ना मिस्टर आकाश। शट अप, कहता हुआ आकाश भूमि की ओर गुस्से से हाथ उठा देता है। पर क्या पता था कि भूमि उसके बड़े हाथ को रोक कर झटकती हुई चीखने लगती है, ऐसी गलती ना कभी दोबारा करने की सोचना भी नहीं। अपना हाथ झटकते आकाश रक्ताप आँखों से उसे देखता हुआ बोला, तुमसे जो करते बने करो, मेरे संग स्वर फोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी बकवास सुननी ही नहीं है। आकाश झुंझलाता हुआ कमरे से बाहर निकलने लगता है। हाँ हाँ मत सुनो, क्योंकि तुम्हारे मेरे बीच अब कहने सुनने को कुछ भी नहीं रहा। वक्त आने पे ना मैं तुम्हें वो तमाशा दिखाऊंगी कि तुम याद रखोगे, और इस गुमान में मत रहना कि मैं घूंघट में मुँह छिपाए भाग्य का रोना रोती रहूंगी, सुना ना तुमने। आकाश कमरे से जा चुका था और पीछे भूमि चीखती मन का गुबार निकालती रही। भूमि की आंखों में अब अंगारे सैलाब बन चुके थे। सभी मजदूर फैक्ट्री की ओर बढ़ रहे थे, उनमें कुबेर भी था, पर तभी उसे फैक्ट्री का चौकीदार मुख्य गेट पर ही रोक लेता है और उसे नोटिस बोर्ड की ओर देखने की ओर इशारा करता है। कुबेर हैरान नज़रों से उस नोटिस की ओर देखता है जिसमें अभी कुछ अंग्रेज़ी में लिखा था, पर उसके टर्मिनेशन का ऑर्डर सिर्फ हिंदी में लिखा था। वे औचक कुछ पल तक उस कागज़ को देखता रहा। उसके हाथ में पकड़ा टिफिन और उसकी सांसें जैसे वही माहौल में ठहरी रह गई थी। बाकी भीड़ उसकी हालात से बेखबर फैक्ट्री में समाती चली गई। अरुण रोजाना की तरह तैयार होकर दादाजी को लेकर उनके आश्रम के लिए निकलने वाला था। वह सुनिश्चित समय पर उनके पास खड़ा था, पर उनको तैयार न पाकर वह घबरा कर पूछता है, क्या हुआ दादाजी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, पर आज आश्रम जाने का कोई फ़ायदा नहीं। सुना है वहाँ कोई नेता आ रहा है तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, और जानते हो बेटा भीड़ में मेरा दम घुटने लगता है, अब भीड़ सहन नहीं होती। आगे बढ़कर दादाजी के कंधे पकड़ता हुआ कहता है, तो कोई बात नहीं, आश्रम न सही तो कहीं और चलेंगे, पर आपकी सैर तो होगी ही, आप तैयार हो जाइए, हम बीच पर चलेंगे। इस बात पर खुश होते वे सहमति देते अपना कुर्ता बदलने लगते हैं। उनका इंतज़ार करते अरुण अब बाहर आ जाता है। अरे राजवीर इतनी सुबह कैसे, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। अरुण सामने से आता राजवीर को देखता है जो उसे विश करता हुआ उसके ठीक सामने खड़ा था। वो क्या है सर, मैं घर गया ही नहीं, बड़े साहब का हुक्म था कि आपके साथ ही रहना है मुझे। पर आज नहीं, आज मैं बीच पर दादाजी को लेकर जा रहा हूँ, और हाँ अपने बड़े साहब को बता देना कि मैं समय पर ऑफिस पर पहुँच जाऊँगा, मेरे पीछे किसी को मोबाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है। पर सर कार मैं ड्राइव करके भी ले सकता हूँ। अब कि अरुण कुछ अलग भाव से उसका चेहरा देखता हुआ कहता है, चिंता मत करो राजवीर, अपने बड़े साहब से मिलना तो बता देना कि मैं अपने अतीत और अपनी गलती दोनों का सामना खुद कर सकता हूँ, ड्राइव मैं ही करूँगा, और जब तुम्हारी ज़रूरत होगी तो तुम्हें बुलवा लूँगा, जाओ। राजवीर फिर कुछ ना कह सका और अरुण आगे बढ़ गया। वे ड्राइवर द्वारा पोर्च पर कार पार्क की ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलता ही है कि किसी का हाथ अपनी पीठ पर महसूस करता फिर पलट कर पीछे देखता है और उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ जाती है। तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने का इससे अच्छा मौका नहीं, मैंने सोचा दादाजी के साथ निकल रहे होगे, बस पहुँच जाना चाहिए उसी टाइम। मुझे छोड़ अपनी बता, पार्टी के बाद तो वही गायब चल रहा है, योगेश को ध्यान से देखता हुआ अरुण कहता है। इस पर एक बड़ी वाली अंगलाई लेता हुआ योगेश कहता है, क्या बताऊँ, पार्टी का साइड इफ़ेक्ट चल रहा है, पर छोड़ तेरी समझ में बात नहीं आएगी। हाँ हाँ बखूबी समझता हूँ तेरा साइड इफ़ेक्ट, कहता हुआ अरुण अब ड्राइविंग सीट पर बैठते सीट बेल्ट लगाने लगता है। दादाजी प्रणाम। वहाँ दादाजी को आते देख अब योगेश झट से उनके पास पहुँचता उनका अभिवादन करता है। तीसवें भरपूर मुस्कान से आशीर्वाद हाथ उठाते हुए कहते हैं,
कैसे हो योगेश? चलो अरुण के बहाने नज़र तो आए। अरे आप तो खूब फिट नज़र आ रहे हैं, मैंने कहा था ना यहाँ अरुण आया और आप दुरुस्त हुए। हाँ हाँ, ये मुझे कहाँ अकेला छोड़ता है, इसके साथ ही तो मेरी ऊर्जा है। कहते हुए वे एक नौकर की सहायता से गाड़ी के पीछे बैठने लगते हैं। उनके बैठते बड़ी भी अपने सेवक के साथ वहाँ लपकता हुआ आ जाता है। असल में रोजाना बड़ी और दादाजी के साथ के लिए वह सुबह उन्हें सैर पर ज़रूर ले जाता। सभी पीछे बैठ गए तो योगेश अरुण के साथ वाली सीट पर बैठते हुए कहने लगा, इसका क्या भरोसा, फिर चला गया तो मैं कहता हूँ कुछ परमानेंट उपाय कर डालिए इसका। योगेश अपनी सीट बेल्ट लगाता हुआ दादाजी की ओर झुकता हुआ कह रहा था, पर वे बात समझे नहीं और औचक देखने लगे। अरुण समझ गया कि वह बराबर पकाने वाला है, इसलिए वह इंजन स्टार्ट करता कार को रेस देता हुए वहाँ से निकलने लगता है। योगेश अपनी रोह में बहता हुआ कहता रहा, अरे दादाजी शादी शादी कर दीजिए इसकी, फिर ये ना कहीं भागेगा और ना आप अकेले रहेंगे, बस समस्या छू। इस पर बड़ी तगड़ी तौर पर अरुण उसे घूरता हुआ देखता है, वहीं दादाजी उसकी बात पर हंस पड़ते हैं। अच्छा दादाजी कहिए, मैंने कुछ गलत कहा क्या? हमेशा यूं ही मुझे घूरता हुआ मुझे चुप करा देता है और मैं इसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाता हूँ। हो गया ना तेरा, या कुछ और रहता फैलाना बचा है? नहीं बस आज का कोटा पूरा, कहता हुआ जहाँ योगेश मुस्करा रहा था वहीं दादाजी हंस पड़े थे। साथ बैठा नौकर भी चुपचाप हंस पड़ा था। बड़ी भी पूछ हिलाता जैसे इस बात पर अपना समर्थन दे रहा हो। रास्ते भर योगेश यूं ही बातों के छल्ले उड़ाता रहा और रास्ता भी इससे यूं ही पल में ही कट गया। योगेश कहता है, और ये क्या, तब से ये इंस्ट्रूमेंटल बज रहा है? तू भी ना बिना बोल के संगीत की दुनिया में जी रहा है, कुछ तरंग के साथ कुछ गीत भी तो होना चाहिए, कहता हुआ अपनी पसंद का जैश लगाकर आंखें बंद किए वह झूमने लगता है। वैसे हम जा कहाँ रहे? योगेश की बात पर अरुण होठों के विस्तार के साथ कहता है, बड़ी जल्दी पूछ लिया तूने। हाँ तो तू मेरे किडनैप करके थोड़ी ले जा रहा है, अपना कीमती समय निकाल कर मिलने आया हूँ तेरे से, पर तुझे मेरी कीमत ही कहाँ। हाँ वैसे भी हीरे की कीमत तो जौहरियों को ही होती है, अभी बस बेचारी लड़कियाँ ही मेरे बस समय की कीमत समझती हैं, तभी कभी अपना टाइम मेरे साथ वेस्ट नहीं करती, बस इन्वेस्ट करती हैं। अपनी बात खत्म करते दांत दिखाता हुआ व्यू मिरर सीधा करता अपनी शक्ल चेक करने लगता है। उसकी इस हरकत पर अरुण व्यू मिरर का एंगल फिर से ठीक करता हुआ उसे दोबारा घूरता है। कुछ ही देर में वे सभी सूरत शहर के बाहर के सुवली बीच पर मौजूद थे। वहाँ पहुँचते ही एक अलग सी तरावट मन में अपना जमावट जमाने लगती है। पर बीच को देखते योगेश फिर शुरू हो जाता है, ए लो बीच भी चुना तो ऐसे जहाँ कम लोग आते हैं, तुझे इंसानों से एलर्जी है क्या? भीड़ पसंद नहीं है, कहता हुआ पीछे देखता हुआ कहता है, दादाजी आप यहीं रुके, मैं पार्किंग में कार लगा कर आता हूँ। ठीक है बेटा, दादाजी के साथ अब बड़ी और उसका सेवक मोनू भी उतर जाता है। अब वे सभी समंदर की ओर बढ़ रहे थे जबकि अरुण कार घुमाता हुआ पार्किंग की ओर ले जा रहा था। योगेश अभी भी साथ में बैठा हुआ कह रहा था, भीड़ क्या, तुझे तो अपने बचपन के दोस्तों से भी एलर्जी होने लगी है। इस पर अरुण स्टेयरिंग घुमाते घुमाते कहता है, कहना क्या चाहता है सीधा बोल, फालतू में बात को घुमा फिरा कर चक्कर घिन्नी ना बना। वर्तिका क्या तेरी प्रॉब्लम क्या है, वो तुझे कितना चाहती है, हर 10 शब्द में से 5 शब्द बस तेरे नाम के होते हैं, तो क्यों नहीं तो उसकी भावना को समझता है, और फिर तेरी उसकी शादी में भी कोई समस्या नहीं आने वाली, एक जैसा स्टेटस है तुम दोनों का, फिर बात क्या है जो तू उसे कटता रहता है, कहीं सच में तेरा संन्यास लेने को इरादा तो नहीं ना। अब वे कार के बोनेट का टेक लगाए खड़े थे। अरुण सिगरेट सुलगाता हुआ उसका गहरा कश हवा में छोड़ता हुआ कहता है, मुझे नहीं पता, बस अपने पास उसे महसूस करते ही मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल महसूस होता है। वह फिर एक लंबा कश भीतर से लेता हुआ बाहर की ओर छोड़ देता है। अभी तो तू नज़दीक ही कितने लड़कियों के गया है, तो स्कूल के टाइम से देखता आ रहा हूँ मैं, जब मैं अपने 10वां ब्रेकअप सेलिब्रेट करता 11वीं लड़की पटा रहा था तब भी तू अकेला ही था। हाँ तो तेरा जैसा बन जाऊँ क्या? नहीं गुरुदेव, वो तो इस जन्म में पॉसिबल ही नहीं है, बट मेरे भाई वर्तिका पर कंसंट्रेट तो कर, योगेश हाथ जोड़ने का अभिनय करता हुआ कहता है। क्या कंसंट्रेट करूँ जब ऐसा कुछ फील ही नहीं होता, तो ज़बरदस्ती उससे रिश्ता बनाऊँ?
उसकी बात पर बुरी तरह से चीखता हुआ वह आखिरी बार रेत में मसलते हुए अगले सिगरेट जलाने लगता है। इस पर योगेश उसे ध्यान से देखता हुआ कहता है, अच्छा छोड़ वर्तिका को, ये बता तुझे कैसी लड़की पसंद है। कोई नहीं, कहता हुआ लाइटर अपनी पॉकेट के हवाले करता हुआ सर ना हिलाता है। ऐसा मैं मान ही नहीं सकता, अब की अपनी हथेली पे अपना दूसरा हाथ मारते हुए योगेश कहता है, कोई तो फैंटेसी होगी तेरी, कुछ तो सोचा होगा कि वैसी लड़की तुझे पसंद आए। पता ना यार, आज जब तक तू मुझे ये नहीं बताएगा मैं कहीं नहीं जाने वाला, यहीं धरना देता पूरा दिन तेरा दिमाग चाटता रहूँगा, बता जल्दी। अब योगेश अरुण का चेहरा गौर से देख रहा था तो अरुण जलती सिगरेट कुछ देर हवा में लिए लिए एक नज़र समंदर की ओर देख कर दूसरी नज़र योगेश को देखने लगता है। बता भी ना या सस्पेंस भी मार डालेगा मुझे। हाँ बिल्कुल मेरे जैसी, कहता हुआ अरुण अब सिगरेट का कष्ट न लेता बल्कि मुंह घुमाकर हल्के से मुस्करा रहा था। पहली बार अपने दोस्त के चेहरे पर हया की छाया देख योगेश हैरान था। गई भैंस पानी में, एक तो तू ही अनोखा है इस दुनिया के लिए, फिर तुझे अपने लिए अपनी तरह की अनोखी रानी चाहिए, तो भाई ये ना हो पाएगा, ऐसी बंदी ना है ना होगी। तो ऐसा कर, तेरा पहला वाला आइडिया ना वो ही ठीक है, तू पकड़ कमंडल और निकल जा जंगल में, भाई तेरे से प्यार व्यार ना हो पाएगा। योगेश पूरी तरह से हवा में हाथ नचाता हुआ उसे बोल रहा था, तभी भौंकने की आवाज़ से उन दोनों का ध्यान बड़ी पर जाता है जो योगेश की ओर देखता हुआ उस पर भौंक रहा था। ये बेजुबान जीव की आत्मिक शक्ति थी, उसे लगा योगेश उसके मालिक पर नाराज़ हो रहा है इसलिए वे योगेश पर भौंकने लगा। ये देख योगेश पीछे हटता हुआ बड़ी को भगाने लगा, ए ए ए कुत्ता, तो कुत्ते की तरह रहे ठीक, क्यों फालतू मुझे भौंक रहा है, देख मैं डॉक्टर हूँ, मेरे साथ ऐसा कोई कुछ नहीं करेगा तू, ए ए। बड़ी योगेश के उछलने पर और तेज़ी से उस पर भौंकने लगा था जबकि नज़ारा देखता और उन थोड़ी पर उंगली रखे उस पर हंस रहा था। मुझे पता है अगर मैं वेटनरी डॉक्टर होता ना तब देखता तू मुझ पर कैसे भौंकता, बहुत हुआ बड़ी, नहीं नहीं मेरे पास नहीं, ए अरुण रोक ना इसे, नहीं तो अगली बार ना घोड़े का इंजेक्शन के साथ मिलूंगा उस बड़ी से, ओ कुत्ते। कहता हुआ योगेश उससे दूर तेज भागने लगता है तो बड़ी भी मस्ती में उसके पीछे पीछे भागने लगता है। ये देख अरुण भी अब उन दोनों के पीछे चल लेता है, अब ये एक खेल हो गया था। बड़ी जान कर योगेश से इतना पीछे भाग रहा था जितना वे उसे पकड़ ना सके और बस भागता रहे। यूं ही मस्ती में भागते भागते तीनों रेत पर ठहर कर सांसने लगते हैं अरुण अब बड़ी को अपने से लिपटाए रेत पर उन्मुक्त लेट जाता है। वे काली रेत पर पड़ा उन्मुक्त आसमान निहारने लगा था। ऐसा करते कुछ अलग ही रंगत उसकी आंखों में समा गई थी, माना योगेश ने सहसा आज उसके मन के सितार में कोई अनजानी तरंग छेड़ दी हो। वहीं योगेश बड़बड़ाते हुए दादाजी की ओर चल देता है जो भी किसी अजनबी इंसान संग बड़ी आत्मीयता से खड़े थे, मानो बरसों बाद उससे वे मिल रहे हों। इस कहानी को सुनने के लिए बने रहें इस कहानी में, कहानी का सफ़र यूं ही जारी रहेगा। कहानी पसंद आने पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों से साझा करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।